वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप बजाज एंड वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। सो माई डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इन माई प्रीवियस वीडियोज वी हैव स्टार्टेड अ ग्रामर टॉपिक टेंसेज एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड टू पार्ट्स ऑफ past tense, past indefinite and past continuous tense. Now my dear students, we are going to discuss about past perfect tense. So first of all, I would like to tell you what is the use of this tense. So this tense is used to describe an action which has been completed in the past at a particular time. कि इस टेंस का हम यूज़ करते हैं कि एक जो एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब जब करते हैं तो उस टाइम हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू मीन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ऑल द आइडेंटिफिकेशन इन माई प्रीवियस वीडियोज। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इज चुका था, चुके थे, चुकी थी इन हिंदी, एंड वन मोर इज आ था, ए थे, ई थी। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था उसमें हमने क्या यूज़ किया था, चुका है, चुके हैं, चुकी है, और आ है, ए है, ई है। नाउ इन पास्ट परफेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, चुका है की जगह चुका था, चुके थे, और यहाँ पे आ था, ए थे, ई थी। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से, वे घर पहुँच चुके थे। अगर मैं यहाँ एक और सेंटेंस ये लिख देता हूँ कि वे घर पहुँच गए थे, सो इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस? नो। वे घर पहुँच चुके थे या वे घर पहुँच गए थे, दोनों आइडेंटिफिकेशन आ रही हैं, चुके थे और ए थे। सो इट मीन्स देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेज। तो टू है ये जो हमने आइडेंटिफिकेशन यूज़ की हैं, ये दोनों इसमें यूज़ होंगी। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस। सो इसमें हैड का यूज हम करते हैं, जैसे दे हैड रीच्ड होम, अब हमें हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करनी है, हैड ओनली। सो दे हैड रीच्ड होम, बट इसके साथ हमने क्या यूज करना है, वी थ्री का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस का जो यूज़ है, एक और यूज़ भी इसका किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यू नो इट इज़ यूज टू कंपेयर ऑफ टू एक्शंस वन फॉलोइंग द अदर, मतलब टू एक्शंस को कंपेयर भी किया जाता है इसमें, इस टेंस में। जैसे क्या होता है कि इस टेंस में दो एक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोनों एक्शंस पास्ट में ही ख़त्म होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मतलब चली गई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें टू सेंटेंसेस ऐड किए गए हैं। जैसे देखिए, इसमें फॉर्मेशन तो वही रहेगी एक्चुअल में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इसमें दूसरे सेंटेंस की फॉर्मेशन भी हमें ऐड करनी है। वो क्या रहेगी, जैसे सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बीच में हमें वो वर्ड यूज़ करना है जैसे कि बिफोर, आफ्टर, जो भी इसमें टाइम दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे बिफोर का, गॉट इट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें बिफोर का यूज़ होता है और या फिर आफ्टर का। तो जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, कि जो सेंटेंस हमारा लास्ट में होगा, जो सेंटेंस लास्ट में होगा उसको हमने क्या करना है, उसको फर्स्ट पे ले आना है। इंग्लिश में जब हम राइट करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ट्रांसलेशन इसकी चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, ये सेंटेंस पहले आएगा और ये सेंटेंस बाद में आएगा। तो क्या करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गॉट इट? द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी कब,
बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस। और बहुत से टाइम पे हम इसमें मिस्टेक करते हैं। अब इसको समझने का तरीका देखिए कि इसको चेंज करने का तरीका क्या है। जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा, उसमें हम यूज करेंगे हैड प्लस वी थ्री, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं उसको, मतलब सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है सब्जेक्ट प्लस वी टू, यहाँ पे ये वी टू का यूज किया है मैंने, इज दैट क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा और सेकेंड वाला रहेगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस रहेगा। सो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं कि फर्स्ट वाले में पास्ट परफेक्ट, सेकंड वाले में पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे वह घर नहीं पहुंचा था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हैड नॉट रीच्ड होम। अब इसमें कुछ एडवर्ब्स का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑलरेडी, स्टिल नाउ, येट, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखा है वह घर नहीं पहुंचा था, तो इसमें अगर आप ये ऐड कर देते हो कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचा था, तो ही हैड नॉट रीच्ड होम येट, तो यहाँ हमने ये एडवर्ब्स यूज़ कर दी। तो अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी कहाँ आती है, बिफोर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज। जैसे इंट्रोगेटिव में मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये मैं आपको मिक्स करवा रहा हूँ दोनों सेंटेंसेज, जो मैंने आपको अभी बताए कि टू सेंटेंसेज वाला भी और सिंपल वाला भी। तो क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें भी क्या करेंगे, देखो कि वही फॉर्मूला हमारा रहेगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पहले हैं तो यहाँ कर देंगे बिफोर, और उसके बाद क्या मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करेंगे, देखो कि हैड, अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो सेकंड सेंटेंस है वो हमें सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ क्या है, मरीज मर चुका था। अब हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाइए मैंने यहाँ भी, हैड प्लस वी थ्री, हैड द पेशेंट डाइड, कब, बिफोर, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ किया वी टू, यानी कि तो क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे सब में। सो इट वॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी, या फिर क्या उसने गाना नहीं गाया था। सो दैट इज सेम। सो इन इसमें फॉर्मेशन क्या रहेगी, फॉर्मेशन आपकी रहेगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट,
क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, हैड शी नॉट, अब गाना नहीं गा चुकी थी, हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, बस क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी, हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव विद WH family words, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव विद WH family words। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो कि वह दिल्ली क्यों गया था, ठीक है, या फिर क्यों जा चुका था। तो इसमें हमने क्या यूज़ करना, फॉर्मेशन क्या रहेगी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड ही गॉन टू दिल्ली, सो इट वॉज इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स। सो इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स में क्या है कि क्वेश्चन पुट किया जाता है लेकिन नेगेटिव सेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसने सच क्यों नहीं बताया था, तो इसमें फॉर्मेशन क्या रहेगी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस बनेगा कि वाई हैड ही नॉट टोल्ड द ट्रुथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो इट वॉज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रहती है, कोई भी डाउट रहता है, या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट टेंस मीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टिल देन, bye bye, see you later, have a nice day.